हेलो एवरीवन। सो आज पहली बार सोशल मीडिया पर मैं कुछ ऐसा करने जा रही हूँ जो मैंने कभी नहीं किया। आई मीन रियल लाइफ में तो मैं हर 5 मिनट में ये चीज करती रहती हूँ, जिस वजह से मेरे दोस्त मुझे बुलाते हैं जूक बॉक्स, क्योंकि मुझे गाना गाने का बहुत शौक है। और सीरियस से सीरियस सिचुएशंस में भी हमेशा किसी ना किसी तरीके से मैं कोई भी शब्द पकड़कर गाने की शुरुआत कर देती हूँ, और मुझे लगता है कि मैं क्या गाना गाती हूँ। लेकिन मैं बस एक बाथरूम सिंगर हूँ, तो इसीलिए आज गुस्ताखी माफ, हम कोशिश करेंगे कि 2-4 पंक्तियां गाए एक बहुत ही सुंदर गाने की। और जो आर्टिस्ट जिन्होंने गाना ये बनाया है वो है ए.आर. रहमान जी, और इस गाने को गाया है चित्रा जी ने। मैं सिर्फ 4 पंक्तियां गाऊंगी, बट गाइस प्लीज बी काइंड ओके इन द कमेंट सेक्शन, और लेट्स गो होम ओके। सो पेश किया है एंड गुस्ताखी माफ। इतना बोल दिया कि अब सांस ही नहीं बची गाना गाने के लिए। वेट कहना ही क्या ये नैन के अनजान से जो मिली, चलने लगे मोहब्बत के जैसे ये सिलसिले, अरमान ऐसे दिल में जगे जिनको कभी मैं न जानू, वो हमसे हम उनसे कभी ना मिले, कैसे मिले दिल न जानू, अब क्या करूं क्या नाम लूं, कैसे उन्हें मैं पुकारूं, कहना ही क्या ये नैन एक अनजान से जो मिले, चलने लगे मोहब्बत के जैसे ये सिलसिले। तो क्या कहना, ओह गॉड लेट मी सी माय हार्ट रेट बढ़ गई थोड़ी सी गाते गाते। सो आई डोंट नो, दिस इज माय फर्स्ट अटेम्प्ट आप सबके सामने गाना गाने की। तो मजा आया तो कमेंट कीजिए, मजा नहीं आया तो कमेंट मत कीजिए। ओके, लव यू ऑल, हैव अ फैबुलस डे, बाय।